तो दोस्तों, आज भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है जापान की तरफ से, और पूरा यूरोप तो छोड़ ही दीजिए, जापान अचानक से भारत के विरोध में खड़ा हो गया है और भारत से कह रहा है कि केस वापस लो, और जापान के समर्थन में भारत के खिलाफ अमेरिका भी उतर आया है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि आज से लगभग एक महीने पहले की बात है, भारत ने विदेशों से इम्पोर्ट होने वाले आईटी आइटम से ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, जो कि करीब 22% की थी, और इस पर 18% जीएसटी भी भारत विदेशी कंपनियों से लेता था, ताकि जो विदेशी प्रोडक्ट हैं वो भारतीय ग्राहकों को महंगे पड़ेंगे तो भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाले आईटी प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा मिल जाएगा और भारतीय कंपनियां आगे निकल पाएंगी। पर भारत ने जैसे ही ये इम्पोर्ट ड्यूटी यूरोप, जापान और ताइवान के प्रोडक्टों के ऊपर लगाई तो इनको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने लगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट अब भारी भरकम मात्रा में भारत में नहीं बिक रहे थे, जिससे तंग आकर इन्होंने WTO के अंदर भारत के ऊपर केस ठोक दिया और WTO ने फैसला सुनाया कि भारत को इस प्रकार की जो अवैध इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटाना पड़ेगा और यूरोप वालों के प्रोडक्टों को टैक्स फ्री करना ही होगा, जिसके बारे में भारत ने कहा था कि WTO के इस फैसले को हम नहीं मानेंगे और हम एक बार फिर से इस फैसले के खिलाफ अपील करने वाले हैं। अब भारत अपने हितों की सुरक्षा के लिए WTO के अंदर फिर से अपील करने जा रहा है, जिसके ऊपर जापान का कहना है कि भारत फिर से अपील ना करे WTO के अंदर, इससे जो विवाद है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर आप सभी आर्टिकल भी देख सकते हो, जिसमें अमेरिका भी जापान के इस बयान का समर्थन कर रहा है, और अमेरिका का कहना है कि इस प्रकार की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने से हमारे जो हाईली कॉस्टली प्रोडक्ट हैं वो भारत के ग्राहकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और भारत को ऐसी इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने चाहिए। पर आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत को केस करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में फिर आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।